नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और यहां से करीब 350 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटे तराई के इलाके में आपको लेकर चलेंगे और वहां पर मिलेंगे थारू आदिवासियों से। पटना की भीड़ से निकलकर हम गांधी सेतु से गंगा का नज़ारा लेते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की तरफ बढ़ चले। देर रात तक हम लोग भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर पहुंच गए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। सन 1950 तक वाल्मीकि नगर बेतिया और रामनगर राज्य में आता था। सैकड़ों साल से नेपाल सीमा से लगे तराई के जंगलों में रहते हैं थारू आदिवासी। भारत में थारू आदिवासियों की सबसे अधिक तादाद बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। यहां थारू जनसंख्या 2 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के खीरी, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर और बहराइच में थारू आदिवासी रहते हैं। पश्चिमी चंपारण के करीब 800 वर्ग मील क्षेत्र में थारू आदिवासियों का बसेरा है। थारू आदिवासियों से हमारी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ लक्ष्मीपुर गांव से। लक्ष्मीपुर के बाहर ही हमारी मुलाकात होती है गांव के कुछ लोगों से जो ट्रैक्टर ट्रॉली में नदी से जल लेने के लिए जा रहे हैं दुर्गा पूजा। गांव के नुक्कड़ पर ही गुमस्ता यानी थारू आदिवासियों के सामाजिक मुखिया से भी मुलाकात हो जाती है। गुमस्ता का आज भी थारू समाज में अहम रोल है। आपसी झगड़ों के निपटारे से लेकर भूमि विवाद और तीज त्योहारों में गुमस्ता का फैसला अंतिम होता है। थारू समाज में गुमस्ता चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। रामप्यारे महतो यानी लक्ष्मीपुर के गुमस्ता बताते हैं कि बेशक चुनी हुई पंचायतों के पास प्रशासनिक अधिकार हैं, लेकिन गुमस्ता अभी भी आदिवासी समाज में अहमियत रखता है। प्रशासनिक काम भी बिना गुमस्ता की सहमति के नहीं होते हैं। गुमस्ता अगर है तो गुमस्ता की अभी तक हमारा भी पूछ, अभी तक तो है मुखिया के रहने के बाद भी हम सब लोगों का जरूरत पंचायत भर के लोगों से जरूरत रहता है। किसी प्रकार का मान लिए झगड़ा झंझट हो पूरे पंचायत में, लोग अगर समझता है कि नहीं सही पंचायती कर दे तो हमको पूछता है, जाकर के हम पंचायती फरियाद देते हैं अपने स्तर से। सामाजिक एक संगठन है जिसके कारण अगर मुखिया जी चाहे कोई पदाधिकारी आकर के कहता भी है तो लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं। अभी विश्वास लोगों को रहता है कि गुमस्ते जी पर, कि गुमस्ता जी कहेंगे हम लोग मानेंगे। थारू आदिवासी तराई के इलाके में कहां से आए और कब आए, इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। एक मत के अनुसार थारू आदिवासी राजस्थान से आए और वो असल में राजपूत हैं। थारू आदिवासियों में से कुछ लोग खुद को राणा कुल यानी के राजपूतों के ही वंशज मानते हैं। हालांकि कई इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन इस दावे को खारिज करते हैं। 1941 में हुए ऐसे ही अध्ययन कहते हैं कि थारू आदिवासी दरअसल मंगोलियन मूल के हैं और अलग अलग समय में वो नेपाल और भारत में तराई के इलाकों में पहुंचे होंगे और उसके बाद सैकड़ों साल से थारू आदिवासी
नेपाल और भारत के तराई के इलाके में रह रहे हैं। हम लोग क्लियर मैंने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हाँ। ये नहीं कि हम कोनो राणा प्रताप या फलाना। हाँ। हम क्लियर जनजाति के लोग हैं। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो हमारे जीवन से जुड़ा सवाल है उसमें सबसे मैं पीछे हूँ। क्या अभी तक राजनीति में न कोई हमारा विधायक हो सका, न एमपी हो सका 2 लाख होते हुए भी, और इसलिए कहा कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और उससे मैंने हाँ हम कहने मतलब सबल नहीं है, इसलिए मैं चुनाव जब तक हमको सरकार सुविधा नहीं देगी तब तक मैं कहने मतलब सबल है नहीं जो चुनाव लड़ पाएंगे। जब तक हमको कहने मतलब सुरक्षित नहीं करेगी तब तक हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम जनजाति निश्चित रूप से कहने का मतलब हम लोग जनजाति के लोग हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि शांति प्रिय लोग हैं। थारू आदिवासियों के कम से कम 16 उपकुल बताए जाते हैं। ये हैं रौतार, गढ़वालिया, चितवनिया, गोरोहार, बांतर, लंपोछा, ख्वास, महावत, दंगवरिया, केशनोत, कोचिला, कटखला, अहिरवोट, मरचवार, मर्दनिया, कनफट्टा और कटहरिया। लक्ष्मीपुर गांव की बात करें तो बघा 2 ब्लॉक के इस गांव में करीब 300 थारू परिवार रहते हैं। गांव के ज्यादातर घर मिट्टी और बांस से बने हैं, लेकिन घरों की साफ सफाई देखते बनती है। कहते हैं कि थारू घरों में सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि आप इन घरों के फर्श पर रखकर भात खा सकते हैं। गांव में 1-2 ट्रैक्टर हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में बैल नजर आते हैं, बैलगाड़ियां भी। थारू आदिवासी गन्ना, धान, गेहूं और अरहर की खेती करते हैं। इसके अलावा भेड़ के बालों को धुनकर कंबल भी बनाते हैं। थारू आदिवासी मछली भी पकड़ते हैं। महिलाएं खाली समय में चटाई और टोकरियां बनाती हैं। थारू आदिवासियों की शादी में लड़की वाले इन रंग बिरंगी खूबसूरत टोकरियों में धान भरकर अपनी बेटी को विदा करते हैं। कौन कौन कलर बीना तरे? लाल, हरियर, उज्जर। कथी बीना तरे डालावा? बेटी के बियाह होखेला ना। हां। पश्चिमी चंपारण के थारू आदिवासी मोटे तौर पर भोजपुरी बोलते हैं। हालांकि भोजपुरी बोलने का उनका लहजा गैर आदिवासियों से अलग है। हम लोग का भोजपुरी दूसरा तरह का है, गैर थारू लोग जो हैं उन लोगों का भोजपुरी दूसरा तरह का है। जैसे मान लीजिए आपको बुला करके बैठाना है तो अपना भाषा में अवही ये ते अवही अभी बेसही अभी ये बेसही आराम से बेसही मुँह बैठाका देख बढ़े गैर आदिवासी आई आई बैठी आई आई कुर्सी में बैठी तो लहजे का फर्क है। जी। लक्ष्मीपुर गांव के नुक्कड़ पर दुर्गा प्रतिमा लगा दी गई है।
अभी प्रतिमा को पर्दे में रखा गया है, लेकिन गांव में दुर्गा पूजा का माहौल बन गया है। शाम होते होते प्रतिमा पंडाल के आसपास लोग जमा होने शुरू हो गए। लाउड स्पीकर पर भजन चलने लगे। लेकिन पूरा दिन इस गांव में बिताने की एवज में कह लीजिए गुमस्ता ने झमटा और झूमर नृत्य का आयोजन कराया, जो थारू आदिवासियों के परंपरागत नृत्य हैं। थारू आदिवासियों के झमटा और झुमरा जैसे कई पारंपरिक नृत्य हैं, उनके कई गीत हैं जो ये अलग अलग पर्व पर गाते हैं। बरना पूजा है जो साल में एक बार होती है, उनकी अपनी आदिवासी पूजा पद्धति है। लेकिन बदलते जमाने के साथ साथ मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज का असर इनकी भाषा, इनकी पूजा पद्धति और इनके जीने के अंदाज पर देखा जा सकता है। बरना के पहले हम लोगों को माने पूरे गांव में एक सिपाही रहता है जिसको हम लोग टहलुआ कहते हैं, पूरे गांव में बोल देता है एक बार जब बरना पूजा होने वाला है आप लोगों को जितना काम है आप लोग अपना काम समाप्त कर लीजिए और तीन दिन तक कोई काम नहीं होगा। पूरे गांव अपना काम धाम सरिया करके फिट हो जाता है, उसके बाद बरना पूजा होता है, तीन दिन तक हम लोग कोई काम नहीं करते, दूसरे को देख करके। पहले नहीं होता था ये सब, दो चार साल से हो रहा है, दो चार साल से दुर्गा पूजा हो रहा है, दूसरे इगर थारू को देख करके। हाँ, हाँ। पहले ये सब नहीं था। देर रात हमने लक्ष्मीपुर से विदा ली, मन में कई सवाल लिए। इनमें से कई सवाल उस बहस पर थे जिसमें आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। मुख्य धारा में जुड़े आदिवासियों की भाषा बोली से लेकर जीवन शैली तक बहुसंख्यक समाज के दबाव में दम तोड़ देती है। अगले दिन हम थरुहट की राजधानी कहे जाने वाले हरनाटांड के लिए निकले। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से करीब 45 मिनट में हम हरनाटांड पहुंच गए। यह एक छोटा सा ग्रामीण कस्बा है, लेकिन थारुओं के लिए हरनाटांड एक बड़ा केंद्र है। हम पटना से करीब 350 किलोमीटर चलकर हरनाटांड बाजार पहुंचे हैं और यहां हमारे पहुंचने की एक खास वजह है क्योंकि हरनाटांड को थारू आदिवासी राजधानी के तौर पर देखते हैं। यहां पर थारू महासंघ का दफ्तर भी है और यहां पर दो तरफ थारू आदिवासियों की बड़ी तादाद है। साल 1971 में थारू आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए थारू कल्याण महासंघ की यहाँ पर स्थापना हुई। थारू आदिवासियों को अपनी संस्कृति, जीवन शैली और भाषा बोली में आए बड़े बदलाव का एहसास है। थारू संस्कृति को बचाने की कुछ कोशिशें थारू कल्याण महासंघ और दूसरे संगठन कर रहे हैं। हरनाटांड में थारू महासंघ के कार्यालय में एक म्यूजियम बनाने की कोशिश हो रही है।
थारू आदिवासियों के लिए बने कुछ स्कूल भी इन प्रयासों में शामिल हैं। खेल के क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सराहनीय प्रयास भी हुआ है। सरकार की तरफ से हरनाटांड के स्कूल में थारू आदिवासी बच्चों के लिए फुटबॉल एकेडमी चलाई जाती है। इस प्रयास के परिणाम भी आ रहे हैं। इस स्कूल की टीम ने राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीतने के अलावा टीम के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी जगह बनाई है। लेकिन टीम के कोच महसूस करते हैं कि टीम ने जो हासिल किया है उसके पीछे सरकारी प्रयास कम और आदिवासी लड़कों का हौसला ज्यादा है। ग्राउंड में घास होना चाहिए, घास भी नहीं है यहाँ। घास बलुआई मिट्टी है इधर, घास जमाने के लिए बहुत कोशिश करते हम, लेकिन घास नहीं आ पाता है। इसके लिए जो इस सब का बूट होता है, बूट बहुत ज़्यादा लगता है, साल में ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग बहुत कम बूट मिलता है। कम से कम इसको इस सब बच्चों को प्रैक्टिस के लिए साल भर कंटिन्यू 6 पेयर बूट होना चाहिए। इन लोग के लिए कम से कम जो डाइट होना चाहिए, स्पोर्ट डाइट बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए, बढ़िया किट मिलना चाहिए, बढ़िया पढ़ने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए अपना। जैसे मान लीजिए जो यहाँ 8th, 9th, 10th के लिए रखा है, कम से कम इस सबको लगता है 3-4 साल तैयार करने में लगता है। जो बच्चे तैयार हैं वो नेक्स्ट यहाँ क्लास जब समाप्त हो जा रहा है तो निकल जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो सेंटर खाली हो जा रहा है। फिर उस बच्चे को जब सेंटर में भरा जाएगा तो 2-3 साल तैयार करने में लग जाता है। इसलिए इसका जो है कम से कम 40-45 की संख्या में होना चाहिए, एक में 3 लेयर में होना चाहिए, 3 लेयर में होना चाहिए। एक टीम निकल गया सीनियर, उसका जूनियर आ गया उस जगह पे, फिर जूनियर, फिर उसके बाद धीरे धीरे। अच्छा, अपना नाम मुझे बताइए। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार, आप कैप्टन हैं इस टीम के। जी। तो इस बार आप रनर्स अप रहे, दूसरे नंबर पर रहे राज्य के स्तर पर। किस किस टीम से मुकाबला था आपका? हम लोग पहला मुकाबला रोहतास से था, था। दूसरा पटना से। रोहतास से 9 गोल से जीते हैं, 9-0। अच्छा जी। पटना से 2-0। भागलपुर से 2-0 से। मुंगेर से 3-1 से जीते हैं। तो बड़ी जीत आपने दर्ज की। फाइनल में हार किससे गए आप? समस्तीपुर मेजबान टीम। क्या वजह क्या रही? समस्तीपुर क्यों जीत गए आप, क्यों हार गए? उधर का अपना ग्राउंड था, अपना सब प्लेयर था, अपना भी रेफरी था। हाँ, अच्छा, रेफरी भी उन्हीं की तरफ था। जी। आप अपना नाम पहले मुझे बताइए। सूरज कुमार। सूरज कुमार, ये बताइए कि आप यहीं पे रहते हैं स्कूल में? जी। कितने कमरे हैं आप 24 बच्चों के लिए? एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं? 8 बच्चे रहते हैं एक कमरे में। 8 बच्चे रहते हैं जी। और 8 बिस्तर आ जाते हैं कमरे में? कहाँ, वो इसी तरह एडजस्ट कर रहते हैं। एडजस्ट करके रहते हैं जी। और खाने में क्या क्या मिलता है? दाल और चावल, सब्जी और पापड़। अंडा वगैरह नहीं मिलता है? मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है। हफ्ते में कितने दिन मिलता है? मिला ही नहीं अब तक। अभी तक 6 महीने से मिला ही नहीं, 5 महीने से। रवीश कुमार। रवीश, कितने दिन से अंडा नहीं मिला? 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने से ऊपर हो गया। और आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत कुमार, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, मैंने देखा, बहुत तेज दौड़ते हो। तो आप जब घर कहाँ पे है आपका? मेरा ग्राम बड़िया कला। कितने दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। और मम्मी पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है, कितनी खेती है? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। तो आप यहीं हॉस्टल में ही रहते हैं? जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2 साल, जब से ओपनिंग हुआ है सेंटर तब से रह रहे हैं। तब से आप रह रहे हैं यहाँ पे शुरू से? जी सर। तो यहाँ पे ग्राउंड तो आपका खैर बहुत अच्छा नहीं है, हमने भी देखा, आधे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, पोल टूटा हुआ है। लेकिन जब आप घर पे रहते थे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा खाना मिलता था, यहाँ ज़्यादा अच्छा खाना मिलता?
घर से ज्यादा यहाँ मुझे अच्छा खाना मिलता है, घर से ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन कभी आपको मटन चिकन या अंडा वगैरह मिलता है खाने में? जी मिलता है। कितने दिन में मिलता है? सप्ताह में दो बार। दो बार मिल जाता है? ये तो कह रहे हैं 6 महीने से मिला ही नहीं है। नहीं तो अंडा सोमवार को मिलता है। मटन नहीं मिलता है, बस चिकन मिलता है। थारू महिलाएं कपड़ा बुनाई में माहिर हैं। उनके इस हुनर की कद्र करने और उनको इस बहाने कुछ काम देने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास आधे अधूरे और कमजोर नजर आते हैं। सहकारी समिति बनाकर हथकरघा लगाए गए हैं, लेकिन पूंजी निवेश और बाजार की भारी कमी है। कई बच्चे भी इन हथकरघों में अपनी मां का हाथ बटाते नजर आते हैं। ये सब आपने बनाई है? जी। कितने बनाती हैं एक दिन में ये वाले आप? बहुत सारे। बहुत सारा? जी। तो इसका पैसा मिलता है आपको? नहीं। हाँ? नहीं। पैसा नहीं मिलता है? पूनम देवी, ये आपकी बेटी है दुर्गा जी, तो ये भी यही काम करती है? नहीं करती है, पढ़कर आती है। पढ़ने के बाद, स्कूल से आने के बाद करती है? तो कितने बजे आ जाती है स्कूल से? ये 5 बजे। 5 बजे आती है, लेकिन आज तो 5 बजे नहीं है, तो काफी देर से यहाँ पे। आज अच्छा, शनिवार को जल्दी छुट्टी हो जाती है तो जल्दी आ जाती है। नहीं, आप यहाँ कितने बजे आती हैं? जब भी मैंने काम मनाती हो जला तैयारी, तब हम नहीं आ जाती। अच्छा, घर का काम खत्म हो जाता है तो आप यहाँ चली जाती हैं। और एक शॉल बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 4-5 घंटा। 4-5 घंटे में एक शॉल बन जाता है? और दिन में कितने शॉल बना लेती हैं? तेजी बिन ले, जैसे मैंने बिन रहा सवेरे आए तो बिनल जी, तो 2-3 गो मैंने, जैसे मैंने घर से मैंने टाइम से आई जी, वैसे ही मैंने बिना ला। अच्छा, तो आपको एक शॉल बनाने का कितना पैसा मिलता है? 50 रुपया। 50 रुपया एक शॉल का। तो आप एक दिन में अगर आप जल्दी भी आ जाए तो कितना शॉल बना सकती हैं आप? इतना मैंने तेजी बिना जी ताई, मैंने फुला बना बीने के बाद कितना तेजी बिना जी, तो 3 गो। बहुत तेजी से बनाएंगी तो तीन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब 150 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता एक दिन में। हम लोग के पास पूंजी का भी अभाव है, हम लोग के पास ज़्यादा माल रहेगा तब ना मार्केट हम खोजेंगे। अभी तो हम लोग मान लीजिए इतना 40 महिला सब लोग मिलकर 40-45 आदमी इसमें काम कर रहा है, तो जो भी लोग बनाता है हम लोग बेच लेते हैं आराम से। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि एक महिला मान लीजिए 2 शॉल भी रोज बनाती है जी, तो आपके करीब करीब 70 शॉल तो रोज बनी जाते हैं ना, तो महीने के 2-1 हज़ार शॉल जी, तो उनको बेचने के लिए आप बेहतर मार्केट मिल सकती है, ऐसा नहीं लगता आपको, या कम है ये उत्पादन? नहीं, सरकार अगर हम लोग को सहायता करे तो मिल सकती है, लेकिन हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। सरकार अगर मदद करेगी तो पहुँच पाएंगे। थारू आदिवासियों की दम तोड़ती संस्कृति, भाषा, बोली और जीवन शैली के अलावा भी कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। मसलन थारू आदिवासी और बाघ के लिए आरक्षित जंगल और उसके इन आदिवासियों की जिंदगी पर प्रभाव, अनुसूचित जनजाति का दर्जा और आरक्षण, इसके अलावा वनाधिकार कानून और थारू आदिवासियों के हक। मैं भी भारत के अगले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब तलाशने का भी प्रयास रहेगा।
आज हमने आपको मिलवाया पश्चिमी चंपारण के बगहा ब्लॉक के आसपास के थारू आदिवासियों से, और हमने ये पाया कि इन थारू आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, बोली और परंपराओं पर आधुनिक कहे जाने वाले समाज की छाप साफ और गहरी है। लेकिन कुछ थारू आदिवासी आज भी ऐसे हैं जिनकी परंपरा, भाषा, बोली पूरी तरह से बची हुई है। अगले एपिसोड में उन थारू आदिवासियों से आपको मिलवाएंगे, चलेंगे रामनगर ब्लॉक के दोन पंचायत में।